सम्राट आप? गुर्जर गौरव, इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया आपने? पुत्र है वो हमारे, संपूर्ण सौराष्ट्र, देवपटन, जिसके अधीन आपका ये भरूच भी है, उसके उत्तराधिकारी है वो। आप उन्हें हत्या का अपराधी मानकर दंड देने चले थे? और आप ये भी भूल गए कि इस दुस्साहस का परिणाम क्या हो सकता है? सम्राट, कृपया आप शांत हो जाएं। और आपसे निवेदन है कि आप निर्णय कीजिए, किंतु पक्ष विपक्ष का कथन सुनने के पश्चात। यही जानने आए हैं हम यहां। कुमार, ये जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, क्या ये सत्य है? सम्राट, राजकुमार भीमदेव से हत्या हुई है और सभा में प्रस्तुत सभी लोगों के सामने इन्होंने अपना अपराध स्वीकारा है। यदि आप हमारी जगह यहां विराजमान होते तो क्या आप अपनी प्रजा को न्याय नहीं दिलाते? महाराज, दद्दा चालुक्य, बंद कीजिए अपनी ये राजनीतिक बातें। मैं इसी समय अपने पुत्र को लेकर यहां से जा रही हूं और आज हमें देखना है कि हमें यहां कौन रोकता है। इतिहास साक्षी है महाराज, चालुक्य वंशज के नरेश धर्म और न्याय की पूर्ति के लिए अपने प्राण तक निछावर करते रहे। आपका न्याय आज असहाय क्यों है महाराज? ये देवपटन के राजकुमार है, इसलिए सम्राटी रुक जाइए आप। भरूच नरेश को करने पर विवश मत कीजिए जो हम करना नहीं चाहते। सम्राज्ञी को दरबार से बाहर ना जाने दिया जाए। सम्राट, आप इस तरह देख क्या रहे हैं? क्या देवपटन के सम्राट की तलवार में इतना बल नहीं रहा कि वो अपनी पत्नी और पुत्र की रक्षा कर सके? अरे, ये चालुक्य वंश की हस्ती क्या है हमारे सामने? आज इनका इतना दुस्साहस हो गया कि हमारे अधीन होकर हमारे ही वंश को मिटाने की चेष्टा कर रहे हैं। सम्राज्ञी, अब हमारे ही दरबार में हमें अपमानित किए जा रही है। चालुक्य वंश किसी के हाथों बिका नहीं है। आप हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। गुर्जर गौरव, आप अपनी सीमा
निर्दोषी राजकुमार नहीं, हम हैं। आपने हमारी सौगंध तोड़ दी। घर में देर है पर अंधेर नहीं है। शोभा, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? रानी बा, हम जो भी कह रहे हैं वो सत्य है। उस निर्दोष ममता की हत्या हमसे हुई है, राजकुमार से नहीं। राजकुमार भिंडे केवल हमें बचाने के लिए इतना बड़ा आरोप अपने ऊपर ले रहे हैं। शोभा, ये भरूच की राजसभा है, एक बहुत ही गंभीर अपराध के लिए निर्णय लिया जाने वाला है। ये बच्चों का खेल नहीं। यहाँ कोई भी आए और अपराध स्वीकार कर ले, अपराधी को कठोर दंड दिया जाएगा। समझ रही है नाथ? काका श्री, हम सच्चे हृदय से सच बात आपके सामने ला रहे हैं, सुन लीजिए। उसके बाद आपका जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार है। नहीं महाराज, राजकुमारी आपने देवपटन का राजकुमार और भरूच का विशेष अतिथि समझकर बचाने की चेष्टा कर रही है। ठीक है राजकुमार, हम चुप रहेंगे, परंतु सच्चाई क्या है आप जानते हैं। सच्चाई को छुपाइए मत, बता दीजिए। राजकुमार सत्य कह रहे हैं। और राजकुमारी, आप ऐसा अपराध क्यों स्वीकार कर रही हैं जो आपने किया नहीं? और ये बात हम विश्वास के साथ कह सकते हैं क्योंकि हम स्वयं इस बात के साक्षी हैं। रानी मां, हम शोभा, जब राजकुमार यहाँ आए थे तो आप महल में हमारे साथ थी, ठीक ही नहीं? यदि आप हमारे साथ महल में थी तो आपने हत्या कैसे की? आप सत्य कह रही है काकेश्री, राजकुमारी हमें बचाने के लिए हमारा आरोप अपने ऊपर ले रही हैं। नहीं रानी बा, हम पर विश्वास कीजिए। जिस तीर से ममता की हत्या हुई है वो तीर हमने चलाया था। हत्या की बात जान पाते उससे पहले ही राजकुमार ने हमें वहां जाने से विवश कर दिया। राजकुमारी शोभा, आपके पास अपनी बात सिद्ध करने का कोई साक्ष्य है? इनके पास कोई साक्ष्य नहीं होगा। आपको क्या हो गया राजकुमारी? आप केवल हमें बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। राजकुमार, क्या आप चाहते हैं कि हमारे किए हुए अपराध का दंड आपको मिले और हम चुपचाप देखते जाएं? वाह राजकुमारी वाह, आप हर बार यही करती हैं। याद कीजिए, आप प्रतियोगिता में इसलिए जानबूझकर हारी थी ताकि गुरुवर से केवल प्रशिक्षण हमें मिले। धनुष चलाने का प्रशिक्षण आप केवल हमें ही दे रहे हैं। काकाश्री, सत्य ये है कि राजकुमार के साथ हम भी छुपकर आपसे प्रशिक्षण ले रहे थे। याद कीजिए,
आप प्रतियोगिता में इसलिए जानबूझकर हारी थी ताकि गुरुवर से केवल प्रशिक्षण हमें मिले। क्या क्या कह रहे हैं आप? जी गुरुवर, राजकुमारी हमसे प्रतियोगिता में जानबूझकर पराजित हो गई। आज की प्रतियोगिता के विजेता राजकुमार भीमदेव विजय घोषित किए जाते हैं। और जब यह बात हमें पता चली तो उन्होंने हमें वचन दे दिया कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। राजकुमार, आपने अपना वचन तोड़ दिया। हम क्या करते राजकुमारी, इसके लिए आपने हमें विवश किया, परंतु इससे पहले आपने हमारा वचन तोड़ा। देखा महाराज, जो कन्या जानबूझकर पराजय स्वीकार कर सकती है वो इसके जीवन के लिए झूठ भी बोल सकती है। रानी बा, आप जानती हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलते। महाराज, मेरी बेटी की हत्या हुई है और यहाँ ये लोग आरोप प्रत्यारोप, इससे हमें न्याय तो नहीं मिलेगा महाराज? शांत हो जाइए आप, न्याय मिलेगा, अवश्य न्याय मिलेगा। कृपया करके आप थोड़ा धैर्य रखिए। शोभा बेटा, मुझे सत्य सत्य बताना कि घटनास्थल पर क्या हुआ था। मां, राजकुमार भीमदेव, आप इस समय चुप रहिए। हम राजकुमारी शोभा से बात कर रहे हैं। महारानी बा, हम महल से बाहर गए थे। राजकुमारी, इसके पीछे की दीवार टूट चुकी है, सब लोग इसी ओर आ रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए। यदि उन्होंने आपको देख लिया वो आपकी रानी बा को बता देंगे कि आप बिना पूछे महल से बाहर चली गई हैं। राजकुमारी जी, आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए, जाइए। वाह राजकुमारी वाह, आप बुद्धिमान तो हैं, कहानियां भी अच्छी बना लेती हैं। क्या कह रहे हैं आप? महाराज, जिस तरह से तीर दीवार को भेदता हुआ ममता को लगा, वैसा तीर तो केवल प्रशिक्षित धनुधारी चला सकता है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं राजकुमारी को तीर चलाना नहीं आता, और धनुष चलाने का प्रशिक्षण आप केवल हमें ही दे रहे हैं। काकाश्री, सत्य ये है कि राजकुमार के साथ हम भी छुपकर आपसे प्रशिक्षण ले रहे थे। वचन दीजिए, भविष्य में यदि आपके यहाँ संतान जन्म भी लेती है तो उसे भी आप प्रशिक्षण नहीं देंगे। या उपस्थित सभी लोगों को साक्षी मानकर हमें वचन देते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी कोई एकलव्य नहीं आएगा, और राजकुमार भीमदेव को छोड़कर हम किसी भी नर नारी बाल बालिका को प्रशिक्षण प्रदान नहीं करेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर आपको विश्वास नहीं तो हमारी धनुष विद्या की परीक्षा ले सकते हैं। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि हमें भी राजकुमार की तरह धनुष विद्या का ज्ञान है। हमें अपनी बातचीत करने का एक अवसर दीजिए। शाबाश शोभा, शाबाश, आज तुमने मेरी सारी कठिनाइयां एक साथ ही दूर कर दी।
हम चालुक्य वंश से, हमारे होठों से निकले शब्द वचन कहलाते हैं। यहां उपस्थित सभी लोगों को साक्षी मानकर हम ये वचन देते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी कोई एकलव्य नहीं आएगा। राजकुमार भीमदेव को छोड़कर हम किसी भी नर नारी बाल बालिका को प्रशिक्षण प्रदान नहीं करेंगे। काका श्री, आपने देख लिया, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि हम भी राजकुमार भीमदेव की तरह एक धनुर्धर हैं। वाह गुर्जर गौरव, वाह, खूब मान रखा आपने अपने वचन का। हमसे तो आपने कहा था कि हमारे राज्य में कोई भी एकलव्य नहीं होगा। एकलव्य तो आपके घर में ही है, और क्या क्या था एकलव्य ने? यही तो क्या था, छुप छुप कर द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी। एकलव्य अर्थात हम, सोमनाथ, हमने तो कभी काकाश्री के वचन को समझा ही नहीं। मांग लेंगे, अब चुप क्यों कर रहे हैं? मांगे ना, मांगे अपने एकलव्य से उसका अंगूठा। चुप क्यों खड़े हैं गुर्जर गौरव? जब तक हमारे पुत्र पर हत्या का आरोप था, तब तो बड़ी न्याय की बातें कर रहे थे। कहां गया आपका न्याय? करिए ना न्याय आप।